चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कांग्रेस इस वक्त एक ऐसी आशिकी में डूबी है जिसमें चेहरा कांग्रेस को ही पसंद नहीं आता, पर जब कांग्रेस ने इश्क कर ही लिया तो फिर आशिक और माशूक के बीच चेहरे की क्या कीमत। कांग्रेस का प्यार कहीं उम्र भर उसे आंसू बहाने पर मजबूर न करे, क्योंकि कांग्रेस जिस प्यार में डूब जाना चाहती है उस साहिल पर केवल और केवल बड़े बड़े मगरमच्छ नजर आ रहे हैं। इस आशिकी ने कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे बदल दिए हैं। कांग्रेस के नेता अलग ही गुल खिला रहे हैं, राहुल गांधी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता दल बल के साथ भाजपाई बनने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ही भाजपा के एहसानों के तले दब चुके हैं, पर यह सब कुछ टाइम्स मेल नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस के नेता खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता खुद ही एक दूसरे की धोती नोचने पर आमादा हैं। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं को बिकाऊ कह रहे हैं, पर सोनिया माई टुकुर टुकुर देख रही हैं, राहुल भैया खामोश नजर आ रहे हैं, प्रियंका दीदी चुप्पी साध कर बैठी हैं और कांग्रेस चुपचाप बजरंग बली के ध्यान में डूबी है। कर्नाटक में हनुमान मंदिर बनाने में लगी है, राजस्थान धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से फिसलता जा रहा है, पर कांग्रेस बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। उसकी नींद तब खुलेगी जब राजस्थान की सरकार गिर जाएगी और जब कांग्रेस उठेगी तब विधायकों की खरीद फरोख्त का रोना रोएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कांग्रेस पता नहीं कौन सा चलम चढ़ाकर सोई है जो उसकी नींद नहीं खुल रही है। कांग्रेस के अपने नेता एक दूसरे की धोती फाड़ने पर तुले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस में रहकर भाजपा का बहुत ख्याल रख रहे हैं। अशोक गहलोत खुद के विधायकों को बिकाऊ बता रहे हैं और तो और खुद पर भाजपा नेताओं का बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं। जिस वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस के नेता ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं वसुंधरा राजे के चरणों में सूबे के मुख्यमंत्री सिर झुकाए खड़े हैं। मतलब गहलोत खुश, वसुंधरा खुश, बीजेपी खुश और आरएसएस भी खुश, यानी कांग्रेस की विचारधारा गई तेल लेने। तेल लेने गई कांग्रेस की मर्यादा और तेल लेने गई कांग्रेस की ईमानदारी। आखिर कैसे राजस्थान में मंडरा रहे हैं खतरे के बादल, आखिर कैसे कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा हो रहा है बेनकाब, आखिर कैसे बिकाऊ हो गए कांग्रेस के नेता, आखिर कैसे बागी हो रहे हैं कांग्रेसी, आखिर कैसे कांग्रेस बना रही है मूर्खता का नया कीर्तिमान। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बीते 3 साल से राजस्थान में कांग्रेस के भीतर एक लावा दहक रहा है जिसके फूटने पर कांग्रेस के साथ संधिया वाला कांड हो सकता है, कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश वाला कांड हो सकता है, कांग्रेस के साथ कर्नाटका वाला कांड हो सकता है, कांग्रेस के साथ गोवा और मणिपुर वाला कांड हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट खुलेआम अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर बैठे हैं। वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत को खरी खोटी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का पिछला भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। अशोक गहलोत ने हाल ही में धौलपुर में एक जनसभा में दावा किया था कि 2020 में जब सचिन पायलट के नेतृत्व में कुछ कांग्रेसी विधायकों ने बगावत की थी तब वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने उसकी सरकार बचाई थी। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि सचिन पायलट ने अपने समर्थन वाले विधायकों के साथ उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, तब उस बगावत को कुचलने के लिए कांग्रेस की सरकार को बीजेपी के नेताओं ने गिरने से बचाया। अब पता नहीं राहुल और सोनिया गांधी कौन से नींद में सोए हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर विरोधी पार्टी के नेताओं पर इतना यकीन जता रहा है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई होगी। अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री पर इतना ही भरोसा है तो फिर सचिन पायलट की तमाम कोशिशें बेकार हो जाएंगी। कांग्रेस का अगर मुख्यमंत्री ही बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के एहसानों तले दबा हुआ है तो फिर सचिन पायलट के जरिए करप्शन पर वसुंधरा के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे। अब अशोक गहलोत के बयान का जिक्र करते हुए सचिन पायलट कह रहे हैं कि कल तक बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था पर बीजेपी को ही सरकार बचाने वाला बताया जा रहा है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने के लिए कई बार चिट्ठियां लिखी, अनशन किया, लेकिन जाँच नहीं हुई।
सचिन पायलट कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं एक्शन लिया गया, अब मैं ना उम्मीद हूं तो जनता के पास जाऊंगा, जनता के सामने नतमस्तक करूंगा। दरअसल सचिन पायलट के इस गुस्से की एक वजह है और वो अशोक गहलोत का एक विवादित बयान, जिसमें वो बीजेपी लीडर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और न सिर्फ तारीफ बल्कि उनके लिए गहलोत के आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। अब आप अशोक गहलोत के बयानों पर थोड़ा गौर करें। गहलोत का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने उनकी सरकार को गिराने से बचाया। वो कह रहे हैं कि जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। मतलब गहलोत नहीं चाहते थे कि सूबे में भाजपा की सरकार गिर जाए। अशोक गहलोत ये भी नहीं चाहते थे कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस की सरकार बने। मतलब अशोक गहलोत को साफ तौर पर बताना चाहिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान कांग्रेस के नेता थे या भाजपा के। अशोक गहलोत कहते हैं कि जब उन्होंने बीजेपी की सरकार गिरने से बचाई तब इसके बदले में कांग्रेस की सरकार गिरने से भाजपा के नेताओं ने बचा लिया। गहलोत कहते हैं कि 2020 की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और मेघवाल ने कहा था राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने की कोई परंपरा नहीं है। मतलब राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस क्या खूब इश्क फरमा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कौन भाजपाई नेता कितने बड़े कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी नेता कितने बड़े भाजपाई हैं। वहीं दूसरी तरफ गहलोत अपने ही विधायक को बिकाऊ बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पर खरीद फरोख्त का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस विधायकों को जो पैसे बांटे गए थे अब उस पैसे को बीजेपी वापस नहीं ले रही है। मुझे चिंता है कि पैसे क्यों वापस नहीं ले रहे, जबकि मैं कह रहा हूं कि जो पैसे विधायकों से खर्च हो गए उस पार्ट को मैं दे दूंगा, कांग्रेस पार्टी से दिला दूंगा। उनका पैसा मत रखो, पैसा अपने पास रखोगे तो हमेशा अमित शाह आप पर दबाव बनाएंगे। वो गृहमंत्री भी हैं, वो धमकाएंगे डराएंगे जैसे उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में धमकाया है। शिवसेना के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए। मतलब एक तरफ वो भाजपा नेताओं के एहसान मान रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर कांग्रेस की सरकार गिरने के लिए पैसे बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को गहलोत से पूछना चाहिए कि वो फिलहाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी के। राहुल गांधी और खड़गे को गहलोत से पूछना चाहिए वो भाजपा के नेता हैं या कांग्रेस के। अगर उनके विधायक इतने ही ईमानदार हैं तो फिर उन विधायकों ने बीजेपी से पैसे क्यों लिए? अगर पैसे ले लिए तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा कि आगे चलकर वो बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे? वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत 2023 में होने वाले हार से डरे हुए हैं और इसी डर की वजह से झूठ बोल रहे हैं। वसुंधरा ने कहा कि गहलोत के बयान में साजिश नजर आ रही है, पर गहलोत के इन बयानों में आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन नजर आएगी, वो है सचिन पायलट। गहलोत भले ही वसुंधरा का एहसान जता रहे हों पर उनके निशाने पर सचिन पायलट है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत काफ़ी पुरानी है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी जंग 2018 के चुनाव के बाद से ही चली आ रही है। सचिन पायलट बीजेपी के खिलाफ 5 सालों तक संघर्ष जारी रखने, चुनाव प्रचार में खूब मेहनत करने और सूबे का अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना हक जता रहे थे, जबकि अशोक गहलोत ज़्यादा विधायकों का अपने पक्ष में समर्थन होने और सीनियर होने के आधार पर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि पार्टी आलाकमान ने तब गहलोत को ताजपोशी की। जुलाई 2020 में पायलट ने कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बगावत कर दी। बाद में प्रियंका गांधी के दखल के बाद पायलट की नाराजगी दूर हुई, लेकिन सचिन पायलट को इस बगावत की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से उन्हें हाथ धोना पड़ा। बीते साल एक बार फिर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। पिछले साल जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे था, पर गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया और राज्य के सीएम बन रहे। इसके बाद से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोल रखा है। इससे पहले वो एक दिन का अनशन भी कर चुके हैं। अशोक गहलोत तो बिल्कुल वसुंधरा के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उनके चरणों में लेटे हुए हैं, वसुंधरा का बहुत बड़ा एहसान जता रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि वो सचिन पायलट की मांग पर वसुंधरा के खिलाफ कोई एक्शन कैसे ले सकते हैं।
अगर वसुंधरा ने सचिन पायलट की बगावत के वक्त गहलोत की सरकार गिरने से बचाई है, तब वो गहलोत किसी भी कीमत पर वसुंधरा के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, चाहे भले ही कांग्रेस एक्शन लेने का आदेश जारी कर दे। लेकिन इतना तो तय है, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है और जब तक उसे होश आएगा तब तक राजस्थान उसके हाथ से निकल जाएगा। गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रह जाएंगे, कांग्रेस अपनी सरकार गिराने का मातम करती नजर आएगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।